नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एम स्क्वायर प्रोजेक्ट्स। आज हम ब्लिंकिंग लाइट का सर्किट बनाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए ये 555 टाइमर आईसी और दो रेजिस्टर हमें चाहिए। एक 2K ओहम रेजिस्टर है और ये 47K ओहम रेजिस्टर है। ये वैल्यू आप चेंज भी कर सकते हैं, 51 किलो ओहम का रेजिस्टर भी आप लगा सकते हैं। इससे टाइमिंग थोड़ा चेंज हो सकता है आपके लिए, उसके हिसाब से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे ये कैपेसिटर है और ये पूरा सर्किट डायग्राम है। तो हम स्टार्ट करते हैं कनेक्ट करना। देखिए, मैंने पहले ये 555 टाइमर आईसी लगाया है, तो उसके बाद हम एक एक करके लगाएंगे। पहले हम रजिस्टर लगाते हैं, जो कि ये 2K ओम का रजिस्टर है। ये मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। ओके, उसके बाद हम दूसरा वाला रजिस्टर लगाएंगे जो 47K का है। ये 47 ओम रेजिस्टेंस हम यहाँ पे लगाते हैं, पिन नंबर 6 में लगाएंगे। देखिए, ये मैंने पिन नंबर 6 में लगाया है। और उसके बाद हम लगाएंगे कैपेसिटर। तो कैपेसिटर हम 10 माइक्रोफैरड का ये लिया है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, 10 माइक्रोफैरड का है ये। ओके, इसके दो वायर है, जो बड़ी वाली है वो पॉजिटिव है और छोटी वाली है वो नेगेटिव है। तो यहाँ पे देखेंगे तो हम दो नंबर के पिन में हमने पॉजिटिव लगाया है। तो यहाँ से हम ये देखिए, ये मैंने यहाँ पे लगाया है 1 और 2 के बीच में पॉजिटिव और नेगेटिव। उसके बाद है पूरा कनेक्शन वायरिंग का है, तो हम एक एक करके यहाँ पे हम वायर लगा देंगे। देखिए, पहले तो यहाँ पे एक वायर है 7 नंबर के पिन में, तो ये 7 नंबर के पिन के लिए मैंने वायर बनाया है और ये मैं बनाता हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये मैंने वायर इस बाद में पीछे से यहाँ पे सोल्डरिंग करके मैं पूरा इनको कनेक्ट कर दूंगा। फिर दूसरा वायर जो है, जो यहाँ से कनेक्ट होता है, पिन नंबर 1 से कनेक्ट होता है, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ कि यहाँ से ये यहाँ तक देखिए, ये यहाँ पे आप लगा दीजिए। उसके बाद मैं और एक लेता हूँ जो कि 2K ओम के पास से कनेक्ट है, तो इन दोनों के बीच में कनेक्शन है, तो मैं ये यहाँ से ये कनेक्शन लेता हूँ और ये इसके पास में ही लगा देता हूँ। ओके, ये अब दो कनेक्शन हो गए। और एक कनेक्शन जो है पिन नंबर 3 से है, जो हम कनेक्ट करेंगे यहाँ पे। पिन नंबर 3 यहाँ पर है, तो यहाँ से हम कनेक्ट करेंगे पिन नंबर 3 और ये आएगा यहाँ तक। देखिए, ये 3 नंबर का पिन, अभी एक ही पिन कनेक्ट करना बाकी है हमारा, जो कि इसके पॉजिटिव से होके निकल के ये 47K और 6 के बीच में कनेक्ट करना है। तो हम क्या करेंगे कि इसको ये देखिए, मैं एक एक्स्ट्रा वायर लगाता हूँ यहाँ पे और ये इसके पॉजिटिव में जाएगा। देखिए, ये यहाँ पे गया, ये हो गया हमारा पूरा सर्किट। और इसके आगे हम बैटरी भी लगाने वाले हैं और इसको आप पीछे से पूरा कट करके सोल्डरिंग कर दीजिए। और देखिए दोस्तों, और हम आगे का अभी सर्किट बनाते हैं। तो आगे के सर्किट के लिए देखिए, हमें यहाँ से ए पॉइंट, ये 2 LED है,
जो दो एलईडी के बीच के पॉइंट में कनेक्ट करना है, जहाँ से हम सिग्नल ले पाएंगे। ये टाइमर सर्किट का सिग्नल यहाँ से आएगा, फिर बाद में ये एलईडी, दो एलईडी को दो रजिस्टर कनेक्ट किए हैं, और दो रजिस्टर कनेक्ट करके ये सीधा टू वे स्विच में आता है। टू वे स्विच में मिडल पॉइंट में हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे, जो 9 वोल्ट बैटरी से आता है। और ये पुराने पिछले सर्किट में यहाँ पे निगेटिव कनेक्ट करना है और यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट करना है। ये दोनों कनेक्शन होने के बाद यहाँ से ये बीच वाले टू वे स्विच में हमें पॉजिटिव सप्लाई देना है। जब भी हम स्विच इस साइड करेंगे तो ये सर्किट होके ये पूरा सर्किट कंप्लीट होगा, तो ये एलईडी जलेगा। अगर हम ये साइड में ऑन करते हैं तो ये सर्किट कंप्लीट होगा और ये एलईडी जलेगा, जो कि हमें ब्लिंक करना है। तो अभी मैंने देखिए यहाँ से पीछे पूरा यहाँ पे सोल्डरिंग कर दिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये वाला सर्किट मैंने कैसे बनाया। तो इस वाले सर्किट में पहले तो मैंने ये ब्लैक वायर है वो बीच में जो दो एलईडी के निगेटिव में कनेक्ट किया है, यहाँ से मैंने दोनों ज्वाइन किए हैं। और एलईडी के पॉजिटिव साइड में ये रेजिस्टेंस लगा है, इस एलईडी के पॉजिटिव साइड में ए रेजिस्टेंस लगा है। तो यहाँ पे मैंने ये बैटरी का दोनों टर्मिनल है, जो कि एक निगेटिव ब्लैक वाला निगेटिव है, रेड वाला पॉजिटिव है, जो कि यहाँ पे मैंने निगेटिव और उसके बाद में पॉजिटिव कनेक्ट किया है, जहाँ पे हम 9 वोल्ट बैटरी कनेक्ट करेंगे। तो ये पॉजिटिव वायर में से मैंने ये जो बीच में जो वायर निकाला है वो ये टू वे स्विच में, यहाँ पे देखिए ये टू वे स्विच है, जो बीच में जीरो है वहाँ पे ये ऑफ रहेगा, इस साइड ऑन होगा, इस साइड भी ऑन होगा। तो 9 वोल्ट सप्लाई जो है वो बीच में मैंने कनेक्ट कर दिया है, और दो एलईडी का पॉजिटिव है, एक वन साइड को लगाया, दूसरा दूसरे साइड में लगा दिया है। तो चलो हम बैटरी कनेक्ट करते हैं। तो देखो हमने ये बैटरी कनेक्ट किया है, अभी ये जो स्विच है वो स्विच ऑफ पोजीशन में है, तो कोई भी एलईडी नहीं जल रहा है। तो हम इसको राइट साइड में कनेक्ट करते हैं, तो देखिए हमारा एलईडी ब्लिंक हो रहा है। तो उसके बाद हम बीच में आते हैं, तो फिर से ये सर्किट ऑफ हो गया, और राइट वाला लगाते हैं, दूसरा यहाँ पे एलईडी जलने लगेगा, ये ब्लिंक होगा। तो सिर्फ ये एलईडी का आपको साइकिल के दोनों साइड में लगाना है, और ये एलईडी दूसरे साइड, तो आप एलईडी का इंडिकेटर बना सकते हैं अपने साइकिल के लिए, और स्विच की मदद से आप उसको लेफ्ट और राइट में सिग्नल दे सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए।